चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के दम पर फिर से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कई विधायक अब सरकार की लुटिया डुबोने पर आमादा है। सीएम की ओर से 19 नए जिलों की घोषणा के बाद अब जिलों के गठन को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। जहां एक तरफ लोग 19 जिलों की घोषणा से खुश हैं, वहीं दूसरी ओर कई जिलों में क्षेत्रों को नए जिलों में शामिल करने को लेकर विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस के विधायक नई जिलों के परिसीमन को लेकर पहले अपनी ही सरकार को आंखें दिखा रहे हैं। अजमेर के मसूदा से कांग्रेस विधायक राकेश पारिक ने खुलेआम चेतावनी दी। अगर उनके विधानसभा क्षेत्र के मसूदा, विजयनगर और भिनाय पंचायत समितियों को केकड़ी जिले में जोड़ा गया तो वह हजारों की संख्या में लोगों के साथ अजमेर कलेक्ट्रेट पर ही धरने पर बैठ जाएंगे। कांग्रेस विधायक इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं। विधायक का कहना है कि परिसीमन जनभावना के अनुरूप ही किया जाए, ऐसा नहीं हुआ तो इसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को ही होगा। पारिक ने कहा कि उनके क्षेत्र की जनता केकड़ी जिले से नहीं जुड़ना चाहती। केकड़ी जिला मुख्यालय यहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और स्थानीय जनता अजमेर जिले में ही रहना चाहती है। वो इस पूरे मामले में अपनी जनता के साथ खड़े हैं।